प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक में रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं। टॉपिक का लास्ट अब चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पहले थ्री केसेस हमने बताया था। थ्री केस बताने के बाद से उसमें हमने क्वेश्चन कराया था। उसके बाद से फोर केस और फाइव नंबर केस, दो केस और हमने बता दिया था, जिसमें कि दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज होता था। दो ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन मोशन करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो कब किस तरह से वेलोसिटी एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, ये सब बात हमने बताया था। अब आगे देखो, हम रिलेटिव वेलोसिटी का केस नंबर सिक्स यहाँ पर लेकर आए हैं। केस नंबर सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग एंड मोशन ऑफ ए मैन होल्डिंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड। ये जो बरसात जो होता है, बरसात के सीजन में रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड बरसात होता है, हम लोग अपने हाथ में एक अम्ब्रेला यानी छाता लिए होते हैं, तो बरसात अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, अच्छा एयर फ्लो, विंड जो फ्लो है उसको हम नेग्लेक्ट अभी मान रहे हैं, ठीक है, विंड फ्लो नेग्लिजिबल है, तो ऐसे में जब हम लोग अपने हाथ में अम्ब्रेला लेकर के और खड़े रहते हैं तो अम्ब्रेला को, छाते को एकदम वर्टिकल रखना पड़ता है ऐसे, क्योंकि रेन फॉलिंग एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेकिन जनरली ये होता है कि भाई हम लोग बरसात के सीजन में छाता लेकर के अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो चलते हैं लगातार। जब चलते हैं तो ऐसे में जो बरसात होता है वो हम लोग के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी से आता है। तो देखो, रेन फॉलिंग तो एक्चुअली किधर हो रहा है, डाउनवर्ड। हम लोग अम्ब्रेला लेके ऐसे आगे की तरफ चल रहे हैं, जब चलते हैं तो रेन फॉलिंग ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसे सामने से इनक्लाइंड आता है, तो हम लोग मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को वर्टिकल से थीटा डिग्री पर, ऐसे थीटा डिग्री पर उसको क्या कर देते हैं, इनक्लाइंड कर देते हैं, झुका देते हैं, जिस डायरेक्शन में बरसात रिलेटिव वेलोसिटी से आता है। तो उसमें पूछता है कि बरसात के रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी अपरेंट वेलोसिटी कहलाएगा, और अगर रिलेटिव दे दिया तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, मैन की एक्चुअल वेलोसिटी, ये सब पूछ सकता है। जनरली ये पूछता है कि अम्ब्रेला को वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुकाना पड़ेगा, ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगले केस में क्या होगा कि रेन फॉलिंग डाउनवर्ड हो रहा है, मैन अपने हाथ में अम्ब्रेला लेके ऐसे खड़ा है और विंड फ्लो हो रहा है, हवा उधर से आ रहा है, तो बरसात के सीजन में जब विंड फ्लो होने लगता है तो ऐसे में जो रेन होता है वह रिलेटिव वेलोसिटी से अम्ब्रेला पे आके पड़ता है, तो वहां भी वर्टिकल डायरेक्ट वर्टिकल से थीटा डिग्री पर अम्ब्रेला को क्या करना होता है, झुका देना होता है, इंक्लाइन कर देना होता है। तो दो कंडीशन इसमें बनेगा, देख लो, यहां पर रेन फॉलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैन खुद मोशन कर रहा है हाथ में अम्ब्रेला लेकर के। अगले केस में क्या होगा कि रेन फॉलिंग डाउनवर्ड होगा, मैन रेस्ट में रहेगा, हाथ में अम्ब्रेला लिए रहेगा, लेकिन विंड फ्लो होगा, तो विंड फ्लो होगा तो वहां भी रिलेटिव वेलोसिटी से रेन मैन के ऊपर पड़ेगा। तो दो कंडीशन यहां पे होते हैं, दोनों का लगभग फॉर्मूला एक ही जैसे होता है, ठीक। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग एंड मोशन ऑफ ए मैन होल्डिंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड। तो इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से हम लोग का सब फॉर्मूला भी बन जाएगा। अब जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ये रेन फॉलिंग हो रहा है, देखो बरसात वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, इसको बोलेंगे वी रेन, वी रेन, रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड। अच्छा, ये ना समझना कि ये वर्टिकल है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है रेन की एक्चुअल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पर मैन है, यह डियर मैन,
मैन के हाथ में अम्ब्रेला है, वो भी मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टली, मैन हॉरिजॉन्टल चलेगा, तो मैन इधर चल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मैन चल रहा है, तो मैन के वेलोसिटी यहां दिखा मैं चाहे यहां दिखा मैं एक ही बात है, ठीक है। तो देखो मैन ये हो गया मैन की एक्चुअल एक्चुअल वेलोसिटी, और इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला है इसके हाथ में, तो अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड करेगा ये हम लोग को देखना है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड करे, क्या रिलेटिव वेलोसिटी रेन का बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम और बनाएंगे यहां पर। देखो अगेन ये हमने दिखा दिया, ये रेन की वी रेन, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। अच्छा ये जो मैन की वेलोसिटी है, इसको मैन के वेलोसिटी को देखो हम यहां दिखा दिए, देखो यहां दिखा सकते हैं मैन की वेलोसिटी ऐसे, ठीक। अच्छा देखो ये मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हम क्या करते हैं कि मैन के वेलोसिटी को इसे अपोजिट कर देते हैं, और यहां हम लिख देते हैं माइनस वी मैन। ओ डियर ध्यान देना, हमने डायरेक्शन पढ़ दिया लेकिन मैन के वेलोसिटी में देखो हमने माइनस लगा दिया, मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, माइनस हमने लगाया, एरो चेंज किया तो माइनस लगाया, कुल मिला के ये इसी डायरेक्शन में है, काम बन गया। यहां से मैन यहां पर था, देख रहे हो, अब ये माइनस है ये प्लस है, इसका हमने ये डायरेक्शन कर दिया माइनस करके। अब देखो इसका और इसका वेक्टर सम कर लें, देखो इसका और इसका वेक्टर सम कर लें तो ये रिजल्टेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है, देखो इसका इसका, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ऐसे इंक्लाइन करना होगा, जब अम्ब्रेला को ये ऐसे इंक्लाइन कर देगा तो ऐसे कंडीशन में रेन फॉलिंग इस डायरेक्शन में होगा और वही बनेगा रेन की रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में इंक्लाइन कर दिया वर्टिकल से थीटा डिग्री पर, ये अम्ब्रेला है डियर, ठीक है। अब अम्ब्रेला यहां बना भी लेते हैं, अम्ब्रेला वर्टिकल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन करना पड़ा और ये रेन रेन फॉलिंग इस पे इस तरह से होगा, रिलेटिव वेलोसिटी से रेन आएगा और मैन मैन भीगने से देखो बच जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी से बरसात इस पे आता है। तो ये बनेगा वी रिलेटिव, ये बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, अम्ब्रेला को वर्टिकल से थीटा डिग्री क्या कर दिया गया, इंक्लाइंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ये वाला जो बनेगा यही बनेगा वी रिलेटिव, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी अपरेंट वेलोसिटी वी रिलेटिव ऑफ रेन, इसका और इसका सम वेक्टर एडिशन से, तो माइनस वी मैन प्लस वी रेन, या ऐसे कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी रेन, देखो वी रेन माइनस वी मैन। देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी में देखो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में देखना है ना भाई, मैन रेन को देख रहा है तो देखो रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी माइनस हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये दोनों कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट भी निकालना इनका आसान हो जाएगा, रिजल्टेंट आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगेन
वी रिलेटिव, देखो रेन के जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो जाएगा रूट ओवर, ये जो कि 90 डिग्री पे दोनों हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो रूट ओवर वी रेन, रेन के वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वी मैन, मैन के वेलोसिटी का स्क्वायर, इससे निकल आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये अगर एंगल पूछे तो एंगल ये देखो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मैन के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन रेन के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो जाएगा वी मैन अपॉन वी रेन। यहां से हम लोग डियर थीटा फाइंड कर सकते हैं आराम से, यहां से थीटा आ जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी मैन अपॉन वी रेन। तो ये जो थीटा है ये क्या है, थीटा जो है ये है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इसको हम सही सभी लिख दे रहे हैं, इधर थोड़ा सा उधर मिट रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम द वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मैन मोशन करेगा उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा वर्टिकल से, ये थीटा का वैल्यू है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। यहां से रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर, ये चूंकि 90 डिग्री पे दोनों हैं तो रूट ओवर वी रेन, रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वी मैन के वेलोसिटी का स्क्वायर। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी का फाइंड किया जा सकता है। और अगर इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो देखो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन टेन थीटा निकालने के लिए अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, कितना इसका लेंथ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो मैन के वेलोसिटी अपॉन रेन के वेलोसिटी, इससे आ गया टेन थीटा। अब अगर थीटा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वी मैन अपॉन वी रेन, आ गया समझ में, देख रहे हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी मैन अपॉन वी रेन, ये कहलाएगा इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैन, मैन के मोशन के डायरेक्शन में अम्ब्रेला का इंक्लिनेशन है, जिस डायरेक्शन में मैन मोशन करता है उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ऐसे झुका लेते हो। जैसे बरसात के सीजन में जब अपने घर से तुम कोचिंग जाते हो पढ़ने, स्कूल जाते हो पढ़ने, बरसात होता रहता है तो अम्ब्रेला हाथ में लेते हो, साइकिल से चलते हो, तो जब साइकिल से चलते हो तो जिस डायरेक्शन साइकिल चलाते हो उसी डायरेक्शन अम्ब्रेला को आगे से ऐसे झुका लेते हो, क्यों, क्योंकि बरसात किससे आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी से। और कहीं तुम साइकिल से चल रहे हो और अम्ब्रेला को ऐसे पीछे झुका लो तो ले दे के तुम साइकिल पलट जाओगे नीचे, तो थोड़ा सा समझने का फेर है, देखो उसको समझो कैसे अम्ब्रेला को ऐसे झुका देना होता है, ठीक है। अब अगला कंडीशन में क्या होगा, सेवन नंबर में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग एंड ए स्टेशनरी मैन होल्डिंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड एंड विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी और रेन फॉलिंग का क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगा अम्ब्रेला के कंडीशन में, ऐसा देखा जाता है वहां अम्ब्रेला का बस यह है कि किस डायरेक्शन अम्ब्रेला को झुकाना होगा, तो जिस डायरेक्शन अम्ब्रेला को झुकाना होगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से बरसात रिलेटिव वेलोसिटी से आता हुआ महसूस होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केस नंबर सेवन।
तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग एंड विंड वेलोसिटी। देख रहे हो रेन फॉलिंग और विंड वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब विंड वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देखोगे भाई, किसी अम्ब्रेला के ही तो कंडीशन में देखोगे। वह अम्ब्रेला किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मैन रेस्ट में अब रहेगा, लेकिन विंड अब जो होगा वो मैन के रेन के रिलेटिव वेलोसिटी को बनाएगा। मैन तो रेस्ट में है और हाथ में अम्ब्रेला ऐसे वर्टिकल लिए हुए है, लेकिन विंड इधर से आ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी उधर से बनेगा रेन का, ऐसे अम्ब्रेला को इंक्लाइन कर लेना होगा। यानी विंड फ्लो के अपोजिट, विंड इधर से आ रहा है, विंड अगर नॉर्थ से साउथ अगर विंड है तो साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करना होगा, यहां पर इंक्लाइन करना होगा। अब जैसे यहां पर देख लो ये रेन फॉलिंग है, ये हो गया वी रेन, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी वी रेन, ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हो गया, और जो विंड है इधर से आ रहा है, देखो ये हो गया वी विंड, विंड यानी एयर, एयर की वेलोसिटी इधर से है, रेन फॉलिंग इधर से है, यहां पे एक मैन है, मैन अपने हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए है, लेकिन मैन अब मोशन नहीं कर रहा है, मैन किसमें है, अब रेस्ट में है, तो इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, तो क्या बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्पष्ट यहां तो स्पष्ट दिख रहा है, देख लो यह है विंड की वेलोसिटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रेन की वेलोसिटी, ठीक है। तो होगा क्या कि देखो इसका दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये रिजल्टेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में रेन आता हुआ एपियर होगा। क्यों? क्योंकि जो विंड होगा वो रेन को, ये विंड इस डायरेक्शन में है, रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में देखो यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से इसके पहले वाले केस में था वही कहानी देखो यहां पर भी है, ये बन जाएगा अम्ब्रेला का इंक्लिनेशन, मैन अपने हाथ में जो अम्ब्रेला लिए हुए है वर्टिकल से थीटा डिग्री, विंड जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला को इंक्लाइंड कर देगा। आओ अम्ब्रेला यहां बना लेते हैं, वर्टिकल से अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड करना होगा, लेकिन यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी विंड बना रहा है रेन का। इसके पहले वाले में क्या था, मैन खुद अम्ब्रेला को लेकर मोशन कर रहा था, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी बन रहा था। तो ये बनेगा रेन की रिलेटिव वेलोसिटी, रेन इधर से आता हुआ एपियर बने होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल से थीटा डिग्री पर, यह है अम्ब्रेला। तो ये बनेगी इसके रिलेटिव वेलोसिटी, ये इसलिए वी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन इसका और इसका सम होगा। देखो ये रिजल्टेंट बनेगा वी मैन प्लस वी रेन। इसलिए अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना हो, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है तो रूट ओवर, देखो 90 डिग्री पर है, इसलिए वी मैन स्क्वायर प्लस वी रेन स्क्वायर। इंक्लिनेशन देखना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां मैन नहीं विंड है डियर, यह है विंड, मिस्टेक हो रहा है, ये विंड है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन रेन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, थीटा फाइंड करना है।
तो टेन इनवर्स वी विंड अपॉन वी रेन ये क्या आया, ये आया इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से इंक्लिनेशन अम्ब्रेला का इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, विंड फ्लो के अपोजिट, यानी विंड इधर से आ रहा है तो अम्ब्रेला उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में इनक्लाइंड होगा। तो ये तो प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो, पानी बरस रहा हो तो उसमें घर में ना बैठो, हाथ में छाता ले लो, बाहर निकल जाओ, फिर तुम देखो। तुम अगर बाहर छाता लेकर इसे खड़े हो, छाता लेकर के हाथ में इसे खड़े हो, और अगर बरसात हो रहा है और एयर फ्लो हो रहा है, तो तुम खुद ही अम्ब्रेला को जिधर से एयर आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो अम्ब्रेला को क्या कर दोगे, इंक्लाइन कर दोगे। लेकिन चलो वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फार्मूला जानना जरूरी है ना कि भाई क्वेश्चन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये देखो फार्मूला डेवलप हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, टाइम थीटा फाइंड करना हो, इंक्लिनेशन एयर थीटा फाइंड करना हो, तो ये सब फाइंड किया जा सकता है। तो बेटा इसको कंप्लीट करो, आओ इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद से रिलेटिव इलास्टिक का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट कर देंगे रिवर फ्लो एंड बोट मोशन। रिवर एंड बोट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि डाउन स्ट्रीम मोशन अप स्ट्रीम मोशन, दो कंडीशन ये पढ़ना होता है, फिर कोई रिवर है नदी है उसको एक किनारे से दूसरे किनारे उसको क्रॉस करना, तीन स्पेशल केस रिवर फ्लो बोट मोशन में पढ़ना पड़ता है। तुम खुद ही देख रहे हो कि वेक्टर टॉपिक कितना बड़ा टॉपिक है, स्कूल स्कूल में सब पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाता था तो एक दिन दो दिन में इसको क्या कर देता था, फिनिश कर देता था, लेकिन हम कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें बता रहे हैं, और कितना बड़ा टॉपिक है, कितने कितने पॉइंट्स थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट टार्क का कॉन्सेप्ट है ना, वर्क डन कैसे निकालेंगे, टार्क कैसे फाइंड करेंगे, कंपोनेंट थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल है ना, फिर देखो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी रिवर फ्लो बोट मोशन, मतलब हेडिंग देखो कितने हैं वेक्टर टॉपिक में। थोड़ा बड़ा टॉपिक है भी, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन वेक्टर आसान माना जाता है और वेक्टर का यूज पूरे फिजिक्स में होता है। बेटा इसको मिटाते हैं और इसके बाद एनसीईआरटी से पहले दो या तीन क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी से सॉल्व कराते हैं, तब आगे बढ़ते हैं सेकंड लेवल में, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराते हैं। वेक्टर असाइनमेंट फर्स्ट पेज, जो वेक्टर असाइनमेंट है उसका जो डियर फर्स्ट पेज है, इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, और आगे
क्वेश्चन नंबर 11, ये सब रिलेटिव इलास्टिक के क्वेश्चन हैं, तो देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो 7 नंबर क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो वी रेन, रेन की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए हैं 35 मीटर पर सेकेंड। ए मैन राइड्स ए बाइसाइकिल, मैन भाई या तो मोशन करे या तो साइकिल पे बैठ जा, बात एक ही हुआ। मैन राइड्स ए बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। देखो मैन के वेलोसिटी ये दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, रेन फॉलिंग डाउनवर्ड है, मैन साइकिल से आगे की तरफ चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैन मोशन कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इट होल्ड हिज अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो आओ सॉल्व कर ले, अब डायग्राम उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुमने पढ़ा है कि डियर टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू वी मैन अपॉन वी रेन, याद करो, पेज पलट के देखो, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ये हो जाएगा मैन की वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन रेन की वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, मैन के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो दिया है 12 और रेन के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू 35 इक्वल टू टैन इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू पॉइंट में आएगा, और ये सॉल्व करने पर ये पॉइंट में वैल्यू आएगा 0.343, ठीक है। तो यहाँ तक देखो आंसर तुम दे सकते हो कितना, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया टैन इनवर्स 0.343। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखना चाहते हो कि कितना एंगल होगा, तो देखो ये टैन इनवर्स अगर 1 होता तो इसका वैल्यू आता 45 डिग्री, ये 1 से कम है, 1 का आधा 0.5, तो 45 का आधा 12.5 डिग्री, मतलब 12.5 डिग्री, उससे भी कम ये वैल्यू है, तो नियर अबाउट ये 19 डिग्री होगा डियर, कितना 19 डिग्री। तो अगर एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये 19 डिग्री, यानी अम्ब्रेला को वर्टिकल से 19 डिग्री, मैन जो होगा वो वर्टिकल से 19 डिग्री पे होल्ड करेगा, और किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो मैन जिधर जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को इंक्लाइंड कर देगा, ठीक है। तो यहां देखो आंसर दिया है थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ, फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से और किधर, टुवर्ड्स वेस्ट, जिधर मैन मोशन करेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करना होगा, इंक्लाइन करना होगा। क्लियर हो गया, कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व कराते हैं। मैन अम्ब्रेला, मैन अम्ब्रेला हाथ में लेकर मोशन कर रहा है, रेन फॉलिंग डाउनवर्ड है, उसका देखो रिलेटिव इलास्टिसिटी का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था। अब आओ 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ओ डियर, यहां भी 35 मीटर पर सेकेंड रेन का मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी दिया है। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, विंड के वेलोसिटी, अब मैन के वेलोसिटी के स्थान पर विंड के वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड,
इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन विंड का फ्लो होने लगा. इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला. जो बॉय है अपने हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए है, वो एक जगह रेस्ट में है, तो कह रहा है किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को उसको होल्ड करना पड़ेगा. इन इन व्हाट डायरेक्शन इट होल्ड हिज अम्ब्रेला. तो यहां भी लगा दो टैन थीटा इज इक्वल टू. अब बताओ यहां मैन की वेलोसिटी होगा कि विंड वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी अपॉन रेन वेलोसिटी, फॉर्मूला सेम है, दोनों स्पेशल केस बता चुके हैं. 12/35 इतना आ गया. इसको सॉल्व करोगे तो 19 डिग्री आएगा. अब किस डायरेक्शन में देख लो विंड का फ्लो. विंड का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है. देखो विंड का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो अम्ब्रेला को वेस्ट डायरेक्शन में इंक्लाइंड करना होगा, टुवर्ड्स फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स द ईस्ट. आंसर दे रहा है फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट. अच्छा अच्छा, वाटर का जो फ्लो है रेन का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है. ईस्ट टू वेस्ट, देखो ईस्ट से किधर आ रहा है, एयर आ रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो अम्ब्रेला को ईस्ट की तरफ इंक्लाइन करना होगा ना. देखो ईस्ट टू वेस्ट एयर चल रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ एयर आ रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा. तो क्या कहेंगे, फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से इतने डिग्री पर टूवर्ड्स ईस्ट. एयर के केस में, विंड के केस में अम्ब्रेला को मोशन के अपोजिट इंक्लाइन करना होता है, और मैन के केस में मैन मोशन कर रहा है तो मैन के मोशन के डायरेक्शन में इंक्लाइन करना होता. दोनों में सेम ही डायरेक्शन इंक्लाइन है, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है बस. तो ये सब फॉर्मूला अगर आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, डियर 11 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद इस 30 मीटर पर सेकेंड. देखो रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड. ए वोमेन राइड्स ए बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब यहां वोमेन की वेलोसिटी दे दिया, टेन मीटर पर सेकेंड. इन द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच सी शुड होल्ड इज अम्ब्रेला. किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा, व्हाट डायरेक्शन ही होल्ड अम्ब्रेला. तो यहां पर अब क्या कर दो, देखो वोमेन की वेलोसिटी फॉर्मूला सेम है, ये दिया है 10, ये दिया है 30, तो ये आ गया 1/3 यानी 0.33. तो 0.33 थोड़ा सा कम, 0.343 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम में 18, ये 90 डिग्री के स्थान पे अब आ जाएगा 18 डिग्री. फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स, देखो नॉर्थ टू साउथ, जो वोमेन जो चल रही है साइकिल से चल रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चल रही है, तो साउथ डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चलेगी उस डायरेक्शन अम्ब्रेला को इंक्लाइन कर लेना होगा, टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. तो ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में तुम देखना फर्स्ट और सेकंड पेज पर एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन ये डायरेक्ट दिया था, हमने सॉल्व करा दिया. अब आगे बढ़ते हैं, इधर आगे सेकंड लेवल में रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करा देते हैं. ये तीनों एक वैरायटी के क्वेश्चन थे.
85 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल. ए बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी वी विद हॉलो लॉन्ग हॉलो ट्यूब इन हिज हैंड. द वेलोसिटी ऑफ रेन इज यू वर्टिकली डाउनवर्ड. एट व्हाट एंगल द वर्टिकल ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट द वाटर ड्रॉप इंटर इट विदाउट टचिंग इट्स साइड्स. मतलब एक बॉय है यू स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, और रेन फॉलिंग जो है यू स्पीड से डाउनवर्ड है. तो जिस तरह से अम्ब्रेला का क्वेश्चन था कि मैन के हाथ में अम्ब्रेला था किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड करना होगा, तो ऐसे बॉय के हाथ में एक हॉलो ट्यूब है तो किस डायरेक्शन में बॉय अम्ब्रेला वो ट्यूब को इंक्लाइन कर दे कि वाटर उस ट्यूब के वाल को बिना टच करते हुए नीचे आ जाए. तो ऐसा कब होगा, जिस डायरेक्शन में रेन के रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा उसके अलांग अगर वो ट्यूब को कर दे तो वाटर उसके हॉलो पाइप से होते हुए बिना वाल को टच करते हुए बाहर निकल आएगा. कुल मिलाकर वही अम्ब्रेला वाला ही कॉन्सेप्ट है. देखो यह रेन की वेलोसिटी है यू स्पीड से डाउनवर्ड. ये बॉय है, इसके हाथ में एक हॉलो ट्यूब है. बॉय इज द यू स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से बॉय चल रहा है. तो जो जाहिर है कि जो रेन होगा, अब रेन तो इस डायरेक्शन में आएगा नहीं. रेन जो होगा वो हमने बताया था जो कॉन्सेप्ट, देखो ये भी वी बनेगा. देखो ये वी है तो ये भी वी बनेगा. बोलो न्यूमेरिकली. तो ये हॉलो ट्यूब को ये यहां पर इस तरह से इसको इंक्लाइन करना होगा हॉलो ट्यूब को. क्यों? क्योंकि रेन की रिलेटिव वेलोसिटी इधर बनेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, और यह है हॉलो ट्यूब. वाटर इसमें से ऐसे होते हुए बिना इसके वाल को टच करते हुए इधर निकल आएगा. यही थीटा पूछ रहा है. ऑप्शन देखो दिया है. टेन इनवर्स वी अपॉन यू, साइन इनवर्स वी अपॉन यू, टेन इनवर्स यू अपॉन वी, कॉस इनवर्स वी अपॉन यू. आ रहे समझ में? तो फाइंड कर लो, ये तो स्पष्ट दिख रहा है. देख लो भाई, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बनेगा वही यहां न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा कि नहीं. तो कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा वी अपॉन यू. तो इंक्लिनेशन केवल पूछ रहा है ट्यूब का. ये है टेन इनवर्स वी अपॉन यू, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, इसी टाइप से 84 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आप लोग सॉल्व कर लेना. 87 सेकंड लेवल का, 84, 87 और 89, ये तीन क्वेश्चन आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी का सॉल्व कर लेना. अब अगले टर्न पर हम स्टार्ट करेंगे. अगले टर्न पर रिवर फ्लो एंड बोट मोशन. रिवर फ्लो बोट मोशन में तीन स्पेशल केस बताएंगे और उसी से रिवर फ्लो बोट मोशन के सारे क्वेश्चन हम लोग के क्या हो जाएंगे डियर, सॉल्व हो जाएंगे. तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए. ऑल द बेस्ट.